यार इस तरह के तो मेरा ख्याल अरब कंट्री में भी कोई नहीं है जिस तरह का ये मुल्क मुझे आप दिखा रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है? जम्मू कश्मीर में। माशाल्लाह, पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। आप समझदार हैं, सिर्फ हमारी हुक्मरान हुकूमत बिलबोर्ड जाकर हमारा लाहौर इतना डेवलप है जितना ये नहीं। 250 मिलियन डॉलर्स अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए? इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवजा कर रहा है, वो तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा, उनका मकसद तो ये है। तो जब हमारी तरफ कोई आएगा, हमारा कोई बंदा उनसे इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो पैसा तो हमारे पास आएगा ना, हमारी कंट्री के अंदर आएगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी उससे। अच्छे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है। आप ये वीडियो को मैंने पूरी नहीं देखी, आप खुद देखें कि ये सहूलतें मिलने मिलती हों वहाँ पे, इधर ना मिले तो हम वो उनका दिल करेगा आने को? जय हिंद दोस्तों। जहाँ एक टाइम कश्मीर में पाकिस्तानी फ्लैग लहराता था, आज उसी कश्मीर में भारतीय झंडा लहराता है। और आज भारत के कश्मीर की इतनी तरक्की देख के, इतना डेवलपमेंट देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग बड़े हैरान हैं। फॉरेन कंट्री सब बता रहे हैं वहाँ, उनको यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों में कि इतनी फैसिलिटी हो गई कश्मीर में। भारत के क्रिकेट ग्राउंड खुल चुके इतने सारे, मूवी थिएटर खुल चुके इतने सारे, आज मूवियों की शूटिंग होती है वहाँ पर, इतनी G20 सम्मेलन वहाँ पर हुआ था। और इतना डेवलपमेंट देख के हैरान हो चुके पाकिस्तान के लोग कि ये वही कश्मीर है जहाँ इतनी हालत बुरी थी एक टाइम। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने कश्मीर को तो ऐसे डेवलपमेंट कर दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को फॉरेन कंट्री लग रही हो, इतनी फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर लोगों को। और आज भी पाकिस्तान भीख मांग रही है अपने इधर ही, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती वहाँ पर सही से लोगों को, IMF के सामने भीख मांगते है ये। जब भारतीय तिरंगा कश्मीर में लहराता है तो बड़ी खुशी होती है हमें, इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि आगे इतने प्रोजेक्ट भी आने हैं वहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया कि जिससे कश्मीर को एक नया आयाम मिलेगा। चले देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है। हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना था, तरक्की करनी थी, लेकिन नहीं कर पाए। आज वो उनकी 4-4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन गई, आज उनके पास 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व आ गए। मैं यहाँ पर, मेरा दिल का दर्द ये है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया में जाती है और इंडिया इतना पावरफुल हो गया अब कि वो दुनिया में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भाई हमारे पास बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अभी कुछ टाइम पहले की बात की है, सऊदी अरेबिया ने कहा था कि भाई मैं 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऑयल रिफाइनरी लगाऊंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। आवाम सारी जो नौजवान है उठ उठ के बाहर जा रहे हैं सारे, मसला सारा ये है कि वो तरक्की कर रहे हैं, हमने क्यों नहीं कर पा रहे? ब्रदर, नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारा पाकिस्तान मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद बाहर रह के आया, दुबई में रह के आया हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत बेहतरीन है। अब हो गया मुल्कों से, मैं रिसेंटली यार मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ मैं आया हूँ वहाँ पर। रिस्पेक्ट कौन सी कौम के ज़्यादा देगी, पाकिस्तानियों की या फिर इंडियंस की? पाकिस्तानियों की भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है वहाँ पाकिस्तानियों की? दोनों लेबर्स मिलके काम कर रही है ना, लेबर्स की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट वहाँ पर हाई लेवल हाई रैंकिंग पर कौन ज्यादा है, पाकिस्तानी है? अब माशाल्लाह ये भाई है, हम भाई हैं, हम ये भाई की बात को समझता हूँ। आप कहना चाहते हैं कि इंडिया की जो लोग हैं उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने काफी उधर फ्लैट्स वगैरह अपने और काफी उन्होंने अपना काम बढ़ाया हुआ और काम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए और पाकिस्तानी लेवल पर भी देखा जाए तो पाकिस्तानी भी रिस्पेक्टेबल है उधर यार, उनका भी लेना देना है, वो भी कई उनकी इकोनॉमी में मिलकर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से दुबई की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है और जिसकी वजह से हमें भी फायदा। बात बताएं उनका है क्या अपना, ये हमारे लोगों ने जाके वहाँ पे सारे मामलात वहाँ किए ब्रदर, वहाँ पे तो कोई बंदा अपना काम नहीं करता, वहाँ पे तो सारों ने फ्लैट्स बनाए हुए, ठीक है, बिल्डिंग बनाई हुई है, किराए पे दी हुई है, चल भी। तो मेरा कहना ये है कि भाई देखें हमारे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त ये लगा हुआ है, वो आ गया, मैं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि यार वो आ गया, इस चीज़ के लिए हमें भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को भी सीधा करना पड़ेगा। जो कि आप देखें, देख के बताएं कि कौन सा कंट्री हो सकती है। ये साइकिल से लग रहा है, साइकिल जो है ना वो एशियन है, अदरवाइज ये कंट्री जो है ना वो गैर मुल्क लग रहा है, मतलब कि यूरोपियन कंट्री लग रही है जिस तरह से डेवलपमेंट है, बिल्कुल इसी तरह ही है। यार इस तरह के तो मेरा ख्याल अरब कंट्री में भी कोई नहीं है जिस तरह का ये मुल्क मुझे आप दिखा रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है? जम्मू एंड कश्मीर में। माशाल्लाह सर, हम यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या हमारे लाहौर में इतना डेवलपमेंट है? कभी भी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती, किसी मुल्क में पाकिस्तानी की कोई वैल्यू नहीं है। सऊदी अरब में उतरा हूँ तो वो इस तरह चेक करते हैं कि मेरा ख्याल है जैसे हम जेन्युइन चोर हैं। सऊदी अरब ने तो हमें ये कह दिया कि भाई आप बंद करो पाकिस्तानी को, भिखारियों को भेजना, पाकिस्तानी बाहर जब पाकिस्तान का नाम बता दें कि भाई मैं पाकिस्तान से, तो वहाँ पर लोग इज्जत नहीं देते, इसीलिए पाकिस्तानी भी कहते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ। कन्फर्म है, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूँ, उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई।
क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने, क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनियन आके कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी, और सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम।